चलिए तो हम लोग बात करेंगे अब चौथे कैटेगरी की, नाउन की चौथी कैटेगरी जो कहलाती है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन है क्या, जरा इसको देखते हैं। तो डिफिनेशन जो इंग्लिश का डिफिनेशन है वो बताता है कि अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस, यानी जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता। मापा या तोला जाता किंतु गिना नहीं जाता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो बात ज्यादा समझ में आएगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मिल्क यानी कि दूध, इसको नापा जा सकता है, लीटर में नापते हैं हम लोग। राइस, इसको तोला जा सकता है। वाटर, इसे भी मापा जा सकता है, लेकिन ना तो मिल्क को गिन सकते हैं, ना तो राइस को गिन सकते हैं, और ना तो वाटर को गिन सकते हैं। तो ये चीजें आती है मटेरियल नाउन की कैटेगरी के अंतर्गत, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है चीजें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि पांचवा रूप है, पांचवा प्रकार है नाउन का, ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से, पुराने क्लासिफिकेशन के हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि पांचवी कैटेगरी में आता है, तो ये क्या है जरा इसको देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और आइडिया। किसी गुण का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, किसी अवस्था का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और किसी विचार या भाव का नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और यह इसकी हिंदी की परिभाषा भी है कि किसी गुण, अवस्था या विचार के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काइंडनेस यानी कि दया, गुडनेस अच्छाई, चाइल्डहुड बचपन। तो काइंडनेस और गुडनेस की बात अगर की जाए तो ये कुछ भाव और विचार है, लेकिन चाइल्डहुड की जब बात करते हैं तो चाइल्डहुड एक अवस्था है, बाल्य अवस्था को हम लोग चाइल्डहुड यानी कि बचपन कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। अब हम लोग जब बात करेंगे काउंटेबल नाउन की और अनकाउंटेबल नाउन की, क्योंकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से कल आपने देखा कि प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर नाउन तो पहले दोनों में कॉमन आता था, पुराने क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी और नए क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी, तो उसको दोबारा करने से ज्यादा बेटर है कि डायरेक्टली हम लोग देखते हैं काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या है, बड़े आसान सी परिभाषा, काउंटेबल, काउंटेबल, एबल टू काउंट। तो देखिए, Nouns that can be counted or are called countable nouns. जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं या जिन संज्ञाओं को गिना जा सकता है वे कहलाती हैं countable nouns. Examples में देखें तो book, class, boy, river. यानी आप यहां देख रहे हैं कि दो nouns के combination है, books जो कि आ रही थी common noun में, और class जो कि था collective noun के अंतर्गत। कल हमने आपको बताया था classification के time पे कि कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन, इन दोनों को तो अंतिम है अनकाउंटेबल नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से अनकाउंटेबल नाउन को आखिरी कैटेगरी में रखा गया है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या कहलाता है, नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिन संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते, जिन संज्ञाओं को गिना न जा सके, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो जो गिना जा सके वो काउंटेबल, और जो न गिना जा सके वो अनकाउंटेबल। तो इसके एग्जांपल्स के अंतर्गत हम लोग देखें वाटर और काइंडनेस। वाटर जो कि किस कैटेगरी में आता था ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से, वाटर आता था मटेरियल नाउन के अंतर्गत, और काइंडनेस आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। तो अगर हम लोग कंबाइन करके देखें, दो दो को एक साथ जोड़कर देखें, तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दोनों मिलकर बन जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों मिलकर बन जाते हैं काउंटेबल नाउन। तो ये बातें आपको कल भी बताई गई थी कि countable noun और collective noun, इन दोनों का जो combination है वो कहलाता है countable noun, जबकि material noun और abstract noun, इन दोनों का जो combination है वो कहलाता है uncountable noun। तो आशा है कि आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आई होंगी। पांच जो पुराने क्लासिफिकेशन थे और तीन जो नए क्लासिफिकेशन थे, इन सभी को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास मैंने समझाने का प्रयास किया, और आशा है कि आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई भी होंगी।